वेलकम बैक टू अनदर गेम्स वीडियोस। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद, जिसका मुझे काफ़ी इंतज़ार था, ऑफकोर्स मुझे बहुत इंतज़ार था, मैं वो वीडियो लेकर आ गई। माइनक्राफ्ट, यस, माइनक्राफ्ट की वीडियो में आपको बता दूँ कि हम इसमें आज की इस वीडियो में ही अपना घर भी बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो बस अब जल्दी से काम शुरू करते हैं। आप सबको तो पता ही है कि अगर माइनक्राफ्ट गेम में तुम्हें सर्वाइव करना हो और तुम्हें लकड़ी की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हम इन लकड़ी से सबसे पहले वुड बना लेंगे और फिर इससे क्राफ्टिंग टेबल बना लेंगे और इस क्राफ्टिंग टेबल से स्टिक्स और एक पिकेक्स और एक एक्स बना लेंगे। अब हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ थोड़ा ओपन एरिया हो और हम अपना घर आराम से बना पाए। चलो तो अब हम कोई अपने लिए एरिया ढूंढते हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी 5 फुट कराती हूँ, ठीक है? यार लिटरली तुमने यकीन नहीं करोगे, मुझे घंटा हो गया ये ढूंढते ढूंढते, कोई ओपन एरिया मिल ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें, मुझे बताओ। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक शवल बनाते हैं और अब इससे हम एक बोर्ड बना लेते हैं। बोर्ड बनाए हैं, ठीक है, हम बोर्ड बनाते हैं। अब जो है ना, हम क्या करेंगे, हम पानी में जाएंगे, अब वहीं से ही ढूँढेंगे, जगह जगह पे सैंड है। अब मैं इतना ढूँढ ढूँढ के थक गई, से मुझे मिला ही नहीं। तो हम चल कर सबसे पहले अब अपने लिए ओपन एरिया ढूंढेंगे। तो सर मैं अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी बना देती हूँ कि मेरे को माइनक्राफ्ट आता कैसे है। तो मैं माइनक्राफ्ट काफ़ी वक्त से खेलती आ रही हूँ, तो मुझे इसके काफ़ी सारे रूल्स पता हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं किसी केव में जाऊँ और केव में जाने के बाद पानी की जगह लावा के अंदर चलाऊँगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना 100% देने की, और मैं बिल्कुल भी नूब बनूँगी नहीं, क्योंकि मैं नूब नहीं हूँ। तो आगे चलते हैं अब और ढूंढते हैं, काश की कोई जगह मिल जाए। रात हो रही है तो मैं एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सो जाते हैं। चलो हम यहाँ से पहले भी सो जाते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेने का, अभी नए नए हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। वो अभी तो बोना कर रही है सोने से, हो जाना हो गई ना रात, जल्दी सोया करो। चलो सर, चलो चलो बेटा, मिट गए। अब हम इस प्लेट को तोड़ते हैं, बस अब कुछ जगह ढूंढते हैं भाई। हैं, बोर्ड कहाँ गई, यही तो थी, वो रही। यार कोई जगह नहीं मिल रही है, कैसा, किस जगह पे मैं उसको नहीं, ओ मिल गई, इस जगह पे घर बनाऊंगी क्या अपना। शुक्र। चलो भाई, है ना अजीब, हाँ ये तो किसी अच्छी जगह पे स्पॉन भी कर सकते थे, जहाँ वहीं पे स्पॉन कर दिए थे जहाँ पे सैंड ही सैंड थी बस। इसे खुले में थोड़ी ना बनाऊंगी अपना घर। तो भाई सबसे पहले हम शुगर केन भी तोड़ेंगे, क्योंकि शुगर केन का ही बहुत काम होता है। तो अभी मिल ली है, भर भर के तुम तोड़ लो। चल भाई, शुगर केन का फार्म भी बनाएंगे हम बड़ा सा। तो वीडियोस तो आते रहेंगी अब माइनक्राफ्ट की, तो तुम लोग बस सपोर्ट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तुम लोग को माइनक्राफ्ट की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो
तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम चलते हैं कोई, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे अच्छा सा कोई एरिया मिल जाएगा तो मुझे वहाँ पे चलना है, लेकिन ये जगह थोड़ी अजीब सी नहीं लगती है। मुझे ना एक साल गुजर चुका है लेकिन मुझे कोई ओपन एरिया नहीं मिल रहा है। हद हो गई है, कोई अच्छा सा एरिया तो ढूंढ लो मुझे मिल जाए। अजीब, दिख तो रहा है मुझे सामने थोड़ा थोड़ा ओपन एरिया। लो मेरी मैं कहती हूँ माइनक्राफ्ट में आया ना तो सबसे पहले कुछ नहीं, अपने लिए एक बेड बना लो लकड़ी जमा करके और अपने लिए खाना जमा कर लो, कि ये आपके एक दिन का सर्वाइवल होता है आपको। मतलब आपने अगर एक दिन सर्वाइव कर लिया ना ढंग से तो यानी आप पूरा माइनक्राफ्ट खेल सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि पहला जो दिन होता है ना उसमें थोड़ा आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जब आपने एक ही दिन के अंदर बहुत सारे काम कर लिए जैसे खाना बनाना और बेड बना लिया ना तो फिर आपके लिए ठीक है। क्योंकि अगर आप घर भी बना रहे होगे, कभी कभार ऐसा होता है घर बना रहे बनाते बहुत टाइम लग जाता है, तो आप लोग जो ना फिर वो हो रहा होता है यार घर बना दिया है लेकिन जो ना बेड नहीं है, अब रात भी होने वाली है, तो सबसे पहले मैं कहती हूँ सबसे पहले अपने लिए जो है ना घर ही बनाओ, ये मेरी एडवाइस है। तो अब जो जो मर्जी चाहे वो कर लो, अगर मैं आपको ज़्यादा इजी लग रहा तो तुम नहीं करो। फिर ईजी तो मेरे ख्याल से यही रहेगा कि सबसे पहले अपने लिए बेड बना लो और खाना जमा कर लो। लेकिन मैंने खाना जमा कर लिया लेकिन हंगर वार तो मेरे भी काफ़ी सारे हैं। अब हम इससे एक फर्नेस बनाएंगे और फर्नेस को हम यहाँ पर लगा देंगे और जिन्हें अपना खाना खाएंगे, क्योंकि हमारा हंगर वार बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इधर हम लकड़ी के कोल डाल देंगे। अब हम क्या करें, मुझे क्या करें बता ना, कहाँ जा रही है बता के तो जाओ। हे पुष्पा तू ही बता। इससे अपने लिए एक सॉर्ट भी बना लेंगे और एक पिकैक्स और एक एक्स। चलो मेरे को लगता है मैंने इतने सारी पत्थर जमा कर लूँगी यहाँ ही। चल भाई मर। तो गाइस हमारे पास अभी ज़्यादा सामान तो है नहीं, तो हम अभी फ़िलहाल के तौर पर हम अभी जो है ना वूड का जो होता है ना वूड, हम उसका ही अपना घर बनाएंगे। ज़्यादा अच्छा नहीं होगा और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अभी हम इसे ऐसे बनाएंगे कि हम उसमें सर्वाइव कर पाएँ। तो फिर जब अच्छा गेम हो जाएगा मेरा ज़्यादा और अच्छे सामान हो जाएगा मेरे पास, तब जाके हम थोड़ा बहुत वुड से पत्थर पे भी आएंगे, मतलब कि उसमें पत्थर भी होंगे वुड्स भी होंगे और थोड़ी सी कलरिंग अलग तरह की, मतलब तुम समझ सकते हो। तो हमें अभी अपने लिए जो है ना पेड़ वगैरह इकट्ठे करने हैं, तो हमें सबसे पहले कुछ एरिया ढूंढना है जहाँ पर हम अच्छे से घर बना पाएँ। तो यहाँ पर इतनी सारी घास हैं, मिल गया हमारे को अपन है ये, यस फाइनली हम अपना घर बना सकते हैं। तो अब क्या करना है हाँ सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम अपने जो ना ये जहाँ पर हमें घर बनाना है तो हम इधर से जो ना एरिया थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे इतनी सारी घास हैं तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा भी है कि मुझे अनलिमिटेड सीड्स मिल रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरे ख्याल से इस पर ही होने वाली है, सीड्स फार्म पे, सॉरी। तो बताना अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे ना तो बताना, मैं अगली वीडियो वीट फार्म पे ही बनाऊंगी। तो हमें अब जल्दी से अब जो है ना वो लकड़ियाँ जमा करनी है, तो
मुझे 2 मिनट दो, मैं जल्दी से आती हूँ, लकड़ियाँ जमा कर दी। तो आई थिंक मैंने काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा कर ली हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यदि कम पड़ेंगी तो ज़्यादा हो जाए तो फिक्र नहीं होती, लेकिन कम हो जाए तो दिमाग ख़राब होता है भाई। तो इसी वजह से अभी हम ज़्यादा कर लिए हमने लकड़ियाँ इकट्ठी हैं लकड़ी इकट्ठी हैं वट्टा उर्दू। तो हमें इन ऑफ वुड की भी ज़रूरत होगी, तो हमें इसको भी काटना है, लेकिन ये वाले पेड़ बहुत ही कम है इधर। अब इसको भी काट लेते हैं, लकड़ियों की तो बहुत ज़रूरत होती है यार माइनक्राफ्ट के अंदर, ये तो मैंने देखा है, लकड़ी के बगैर गुजारा ही नहीं है। सो आई थिंक हमारे पास काफ़ी लकड़ियाँ हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे वो लकड़ी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। हाँ, इनसे तो बहुत बन जाएंगे, तो हम यहाँ पे 2-4 पेड़ जो हमारे पास रखे हैं वो लगा देते हैं, ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो और उग जाएँ, क्योंकि मैं दिन नहीं है कि मैं इतनी दूर तक जाऊँ। हम यहाँ पे अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगाते हैं इससे, और इससे बनाते हैं हम बहुत सारे वुड प्लांट्स, क्या नाम है, अकेकिया। एनीवे बन जा, आई थिंक इसके भी काफ़ी सारे बन गए हैं। हाँ, बहुत बन गए हैं इसके भी, को निकालते हैं। तो तुम लोग ये मत समझना कि मेरा घर है, नहीं, अभी मैंने बस इसलिए रखा क्योंकि अभी जो घर बनाऊंगी मैं तो वो अचानक से तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो यानी जब रात हो रही होगी ना तब मैं इधर आके सो जाऊंगी। यह सामान रखने के लिए मैंने ये बनाया है, तो ज़्यादा ऑफर मत होना, पूरियों की तो अभी भी ज़रूरत है हमारे को, जो भी जो छोटा सा घर बना है उससे भी एक स्टेक लग, एक डेढ़ स्टेक लगा है मेरे को। मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी आ रही हूँ इस लकड़ी को जमा करके, या 1 घंटे में, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस, हमने अभी थोड़ी बहुत माइनिंग करी और हमें थोड़े से पत्थर जमा करे, तो हमने इससे शॉर्ट बना रही, हमने शॉर्ट दोबारा बना रही है, सिर्फ मेरी हरकतें देख रही कभी मेरी जी भाने, तो दो शॉर्ट हो गई है मेरे पास। ये रात हो रही है या दिन हो रही है मुझे इतना बता रहे। माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है कि रात का पता ही नहीं चल रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है।
तो यार मैं बहुत थक गई। मैं कब से माइनिंग वगैरह ही करी जा रही हूँ, कभी पेड़ काट रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्या करें, घर भी तो बनाया था, बोला था मैंने, तो अब हम घर बनाना शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं फिर बोल दूँ छोटा ही होगा। तो तुम लोग सोच, एक बात मैं बताना सोच रही थी कि तुम लोग यही सोच रहे होगे कि ये पिंक पिंक क्यों है, यानी XBB मेरी 2 है अभी, और जो है ना फूड भी पिंक है, हार्ट पिंक है, लेकिन माइनक्राफ्ट में ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मैं तुम लोग को ये बता दूँ, एक्चुअली मेरे पास है मोबाइल, और जो है ना मोबाइल पे माइनक्राफ्ट नहीं आ रहा था मेरे, तो मैंने इसका डुप्लीकेट यूज़ करा है। इसके ग्राफिक्स कुछ नहीं माइनक्राफ्ट की तरह भी नहीं है, और कुछ ग्राफिक माइनक्राफ्ट की तरह हैं, जैसे ये पेड़ वगैरह, और यानी ये जो डर्ट दिख रही है ऐसी डर्ट नहीं होती है माइनक्राफ्ट में, आई नो, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैंने ये डाउनलोड करा। तो इसकी वीडियोज़ बना रही हूँ मैं। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, जैसे अंडर ड्रैगन नहीं है इसमें, और स्लाइम शायद नहीं है, कि मैंने ढूंढा नहीं है आज तक, मुझे दिखी नहीं है स्लाइम इसके इस गेम के अंदर। वैसे स्पॉन कर सकती हूँ मैं, लेकिन जो है ना वैसे नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखी माइनक्राफ्ट के अंदर स्लाइम, तो पता नहीं। मैं अगर मैं किसी गेम में क्रिएटिव से अगर स्लाइम लेकर आ जाऊँ ना, तो कुछ बोलना मत कि इस मेरे को आज तक दिखी नहीं है कहीं पर मैं वो स्लाइम। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं हैं, इसमें एंडर पर्ल भी नहीं है, और क्या नहीं है इसके अंदर, और एक बायोम में भी नहीं है इसके अंदर, मैं भी अब पता नहीं कौन सा बायोम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन एक बायोम भी नहीं है इसके अंदर, पता नहीं भाई। तो अब हमने यहाँ पे अपना घर बना लिया है, तो अब यहाँ पे हम शवल से इस डर्ट को निकालेंगे, इसकी जगह हम लगाएंगे इसके अंदर वो वुड, हम इसके अंदर वुड लगाएंगे। तो जल्दी से बस हम इसे निकालते हैं, तो हमने अब ये पूरा क्लियर तो कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये वाले वुड लगाएंगे, मुझे लग रहा है 49 पूरे ही हो जाएंगे इसमें। ये पता है मेरी स्पीड बहुत हल्की है, तो मैं भी इतनी भी प्रो नहीं हूँ यार, मैं खेलती भी आ रही हूँ, लेकिन लग ये थोड़ी ना है कि मैं बिल्कुल से। ये भी कंप्लीट देखा, मैं फादर 49 पूरे हो जाएंगे। तो अब हम इसका पूरा मेन एरिया बनाने लग जाएंगे, पहले यू जाना है, इसको लगाना है, फिर यूं करना है, तो फिर लेट्स इसको तोड़ दो। समझ गए होगे मेरे ख्याल से मैं क्या बना रही हूँ, तो यार एक तो रात बन शुरू हो जाती है, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। ये टेम्प्रेरी ब्लॉक का काम जो है ना हमारे कभी बहुत है, तो हम इस वजह से
उनका ख्याल रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे एक टेम्पररी ब्लॉक और एक ये लगाएंगे वो, फिर ऐसे ही करके लगाएंगे ताकि आगे पीछे ना हो जाए। यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक और यहाँ पे एक वो, फिर यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक और यहाँ पे एक वो, यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक, यहाँ पे वो, यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक और यहाँ पे वो, और ऊपर एक ब्लॉक लगा देंगे। यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक और यहाँ पे वो, ओके सेम एज वाइज आप उधर पीछे भी करेंगे। तो सही सी बात है, मैं वो थोड़ी ना दिखाऊंगी तुम्हारे को, जब पता है कि मैंने ये वाले दिखा दिया तो। इसको तोड़ते हैं हम, और ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें नीचे वाले ब्लॉक पे ही बिल्कुल। तो हम यहाँ से ब्लॉक उठाते हैं और ये देखो ये हो गया हमारा स्टैंड, ठीक है। अब ज़्यादा कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अब हम डायरेक्ट जो है ना अपना काम और शुरू करते हैं। तो देखो भाई स्ट्रक्चर तो हमारे घर का पूरा बन गया है, अब हमारे को बस यहाँ पे वुड लगाना है और फिर इसको फिल करना है ऐसे 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 ऐसे। और अब हम इसका इधर से नहीं करेंगे, हम इसे बीच में से भी करेंगे और मैं बताऊँगी मैं इसका क्या करने वाली हूँ। तो हाँ ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, हाँ हाँ ये तो गलत हो जाता है ना काम, मेरी इस पर दिमाग ख़राब होता है। अब हम इसको उठाएंगे क्योंकि लकड़ियाँ भाई नहीं, तुम क्रिएटिव है भले से जितनी भी बहा सकते हो चीज़ें जितना भी तोड़ सकते हो, लेकिन इसमें बर्दाश्त नहीं होता, ये खुद मेहनत करके ला रहे होते हैं ना। यहाँ पे यूँ फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे ये भाई क्या है, सुकून से लग जा ना दिमाग खराब पत्थर की एक सतारा ये और ये। अब ये हो गया ये हो गया एक अच्छा दे। तो अब क्या करना है, हमारे को डोर लगाना है ना, एक डोर हम ले लेते हैं, ये लग गया। हम जाते हैं जो मैंने ये जो जगह छोड़ी बीच में उसके लिए, ये क्या हुआ इतना ग्लिच क्यों हो रहा है गेम है। ये हम इससे कुछ स्टिक्स बनाएंगे पहले और अब हम इसी के ही कलर का ये बनाएंगे फैंस, इतने काफ़ी हैं, मैं भी हम इससे स्लैब्स बनाएंगे। ये हो गया चेस्ट हो गया और अब चलते हैं एक साइन बोर्ड भी होनी चाहिए, नहीं और कुछ नहीं बस, हाँ ट्रैप डोर, यस ट्रैप डोर बनाने का। तो अब चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे फैंस
येलो कलर का क्यों लग रहा है सर? डार्क ऑफ फ्लैंक से बना है ये और ये अच्छा लग रहा है यार। अचानक से दिमाग के अंदर आया था वैसे। अब हम छत को भी फिल कर देंगे यार। तो हमें काम में हमारी सीढ़ियाँ ये बस सही। देखो ये होगा तो रुक जाओ गाइस, आती हूँ मैं 2 घंटे के अंदर। तो तुम लोग ज़रा रुको, इसको सही करने में मेरे को 20 साल लगेंगे। एक साइड का नहीं दिखाऊंगी, बस एक साइड का दिखाऊंगी। तो गाइस घर तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब सीधा लग जाना जी, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। चल तो हमारा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे को थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह जो होती है घर की वो करनी है। जैसे ट्रैप डोर जो मैंने बनाए थे वो मैंने किसी डेकोरेशन के लिए बनाए थे ना, तो अब वही लगाएंगे हम। और ट्रैप डोर कहाँ है मेरे? ये रहे। तो ऐसे करेंगे ऐसे और ऐसे। पागल हूँ क्या? नहीं कुछ समझा दे मुझे, अच्छा खासा टेबल लगाई उसे तोड़ दिया था मैं। हम यहाँ पे लाएंगे टेबल, देख यहाँ पे लगाएंगे। और फिर इधर लगाएंगे। फिर भाई यार जो पूरा काम खराब हो रहा है जी। यहाँ पे लाएंगे और एक इन दोनों के बीच में लाएंगे ऊपर। ये इतना हसीन लग रहा है, आहा। तो अब क्या करें हम? अब हम क्या करें? मैं शिफ्ट कर दें सामान? नहीं, अभी हमें और वुड प्लैंक्स का एक चाहिए थे।
ये यार अब पेड़ भी तोड़ेंगे हम। ओके तो अब ये हो गया हमारा काम। अब हमें इसके रूफ फ्रेम्स बन गए हैं और अब हम इससे अपनी छत को पूरा कवर कर लेंगे। ये हो गया। यहाँ पे लगाएंगे, ये भी यहाँ पे लगाएंगे, ये यहाँ पे एक और यहाँ पर भी। तो अब हम यहाँ पे क्या है फेंस वगैरह लगा देंगे। ये रहना, ये रहे एक दो और ये तीन। चलो अब सेम एज वाइज हम वहाँ पर भी करेंगे। तो मुझे दो यार दो मैं आती हूँ। तो आती क्या तुम लोग दिखा देती हूँ मैंने क्या करें। तो क्या करें हम यहाँ से, यहाँ पे हम करेंगे ये बना लेंगे फैंस। फिर स्टिक बनानी है तो फैंस बनाने हैं। फिर उसके बाद हम कोल्ड स्टोन का ये वॉल बना लेंगे। चलो वन कर दो भाई, ऐसा ना कोई गुस्से मॉप वगैरह। चलो तो करना था हमारे को। हम एक काम करते फिर ये वॉल वगैरह लगा देते हैं ताकि घर का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा दिखे। एक दो तीन चार पाँच छ, एक तो ये पाँच सात आठ। अरे हट ना भाई, एक तो इतना कम कर देंगे। नौ मुझे जाना कल वेरी निकलना है कल। दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस। हाँ लोगों के नेट से बात हो रही थी ना, मेरे सोच है सो जाता है। चलो हो गई सुबह। अब यहाँ पे मतलब 28 में भी है ना, 28 29 30 31 32 33 34 35 छत्तीस सैंतीस अड़तीस तैंतालीस चालीस भाई चालीस और बयालीस खत्म। मुझे बोल डर रही। अब मैं जाके स्टोन तो कलेक्ट नहीं कर रही, छोड़ा भी उसको इतना ही रहने दो। एक्चुअली मैंने ये स्ट्रक्चर अपने घर के पास ये बनाया था कि कोई मॉब वगैरह घर में ना घुस जाए, क्योंकि ये होता है ना काफ़ी सारी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं जो घर के अंदर जाते हैं और जो ना घर के अंदर वो कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो ना वो काम करने के चक्कर में क्या होता है वो मॉब वगैरह घुस जाते हैं घर के अंदर, दरवाजा वो खुला नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से है नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि यूट्यूबर कोई काम कर रहा है जल्दी में और जो है ना वो काम करते करते घर को बंद करना भूल जाता है और उसके घर के अंदर क्रीपर घुस जाता है। और मैं ये नहीं चाहती तो जो ना मैंने फिर लगा दिया। और हम भी सवाल से मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा लुक आ जाएगा।
ये हमारे घर का पूरा डिज़ाइन तो हो गया है, और चलो मैंने उसके पीछे साइड पे खाना धो दिया, अभी तक मैंने उसके पीछे साइड पे नहीं किया। हम पहले अपना सामान शिफ्ट कर देते हैं और चलो देर भी वो, अब हम निकलते हैं यहाँ से। अपना सामान को शिफ्ट कर रहे हैं, हमारे पास ट्रक नहीं था, मजदूर भी नहीं था, अपने हाथों पे उठा उठा कर लेके जा रहे हैं। पहले अपनी क्राफ्टिंग टेबल यहाँ लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम थोड़े कुछ स्लैब्स बनाएंगे। स्लैब्स को ऐसे लगाएंगे जैसे हमारा बेड थोड़ा कूल सा लग रही है। यार ये तो जगह ही नहीं है, ज़्यादा छोटा कर दिया मैंने, कोई तो खैर कोई बात नहीं, काम कर। बस एक आइडिया है मेरा, बेड सीलिंग के लिए हम उसको तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, तो तक नहीं हूँ। लगा के दो बेड लगा, शीट पता नहीं मिले या नहीं मिले, मेरे पास नहीं है ना वो, क्या करें, बेड खाली है, मेरा बेड कहाँ गया, मेरे पास बेड नहीं है। अरे यार मैंने जगह भी दी है, शायद पास नहीं आया भाई, एक तो बेड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, दो इधर मेरा बेड कहाँ नहीं दिया, शुक्र है को भेजते हैं भाई फजूल में। चल चाहते हैं अपना बेड लगाते हैं और क्या करें, और दूसरा बेड की भी ज़रूरत होगी। शीप्स तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही, वो दूर दूर तक कोई शीप्स नहीं दिख रही है। ए सुन बे सुन, कहीं शीप्स नहीं रहेंगी, तो कोई इज्जत ही नहीं है यार, तो जानवरों को बस अगले घर में कोई इज्जत नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ तुम देखो ना, कोई पर शीप दिख ही नहीं रही हैं यार, ये क्या बात हुई, मुझे एक बेड का डिज़ाइन करना पड़ेगा लग रहा है। पिग ही पिग दिख रहे हैं जगह से कपड़े, छोड़ो अब हम क्या करें, चाहते हैं उसका एक बेड वाला डिज़ाइन बनाते हैं। फोन करो भाई से, नहीं ये बना दिया ठीक है, अब जो ना वो नीचे में नीचे के साइड में लगाऊंगी, बेड को मैं ऐसे लगाऊंगी ऐसे, अब ठीक लग रहा है नहीं, और स्लैब्स को यहाँ पे यूँ यूँ और यूँ, सही लग रहा है, इतना बुरा तो नहीं लग रहा मेरे को। और क्या करना है, और अपने चेस्ट भी लगाएंगे और फर्नेस, फिर फर्नेस, फिर उसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट, यस लार्ज चेस्ट, जिसके अंदर हाई एंट्री बहुत ज़्यादा फुल नहीं है। तो गाइज हमारा पूरा घर कंप्लीट हो चुका है, और अब हम मैं तुम्हारे को दिखाने जा रही हूँ, ये देखो मेरा घर, यस पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता है ये काफ़ी छोटा है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी के लिए मेरे लिए बेस्ट था, जो मैंने एक वीडियो के अंदर एक तो सर्वाइव भी करा और अपने लिए एक अच्छा सा घर ही बना लिया, जो मेरे ख्याल से अभी के लिए बेस्ट है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मैं बता दूँ तुम लोग के होने वाली है वीट फार्म पर, तो अब मिलते हैं अपनी वीट फार्म की नेक्स्ट वीडियो पर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना है प्लीज़, तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।